बड़ी खबर आपको दें, बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 5 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। यह टीम इमरान फारूक कत्ल केस के मुलजिमान से तफ्तीश करेगी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अली राणा से। आसिम, आगाह कीजिएगा इस बड़ी खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने इस हवाले से बरतानवी हुकूमत को मुलजमान तक इमरान फारूक कत्ल केस के मुलजमान तक रसाई देने के हवाले से फैसला किया था, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि उनके साथ उनकी बातचीत हुई है, जिसके बाद बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड की टीम और मेट्रोपोलिटन पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेगी। आज सुबह 5 रुकनी टीम जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंच गई है, जो यहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। और जबकि इमरान फारूक कत्ल केस के जो तीनों मुलजमान थे, जिनमें से 2 क्वेटा और 1 कराची में थे, उनको भी यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद इनकी किसी भी वक्त जो है मुलाकात कराई जा सकती है, जिसमें वो तफ्तीश करेंगे। इनके साथ साथ जो है यहाँ पर इसमें अब फिलहाल ये बात फाइनल नहीं है किससे अकेले ये टीम तफ्तीश करेगी या उनमें पाकिस्तानी तफ्तीशी हुकाम जो है वो भी साथ मौजूद होंगे, लेकिन इनकी टीम में एक ट्रांसलेटर, उर्दू ट्रांसलेटर भी शामिल है, जो बरतानवी टीम को जो है वहाँ पर तमाम सहूलियात, तमाम बातचीत करके उनको बताएगा। इसके अलावा जो ये टीम जो है यहाँ पर इनकी तकरीबन 1 हफ्ते तक इनका यहाँ पर इस्लामाबाद में क्याम होगा, जिसमें ये पाकिस्तानी हुकाम से भी मुलाकात करेंगे, जो तफ्तीशी हुकाम है उनसे भी बातचीत करेंगे और इस केस के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। आसिम, क्या सिर्फ ये टीम इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से ही तफ्तीश करेगी या फिर अभी हालिया जो भारती फंडिंग के हवाले से चीजें सामने आई हैं उस हवाले से भी कोई तफ्तीश होगी? नहीं फैसल, इसका इसके हवाले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिसन सिर्फ डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से जो है ये वो टीम आ रही है, और ये वही टीम है जो वहाँ पर बरतानिया में शुरू से लेकर अब तक जितने भी इस केस के हवाले से मुख्तलिफ जो शवाहद हासिल किए गए, जो मुख्तलिफ तहकीकात हुई, जो तफ्तीश हुई, उसमें ये टीम जो थी वो शामिल रही है। सिर्फ और सिर्फ इनका मैंडेट जो है वो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से है। सबसे अहम जो वहाँ इसमें जो मरकजी मुलजिम मौजम अली, जो वहाँ पे कराची से जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसके उसके जो है वहाँ पर उससे तफ्तीश करने के लिए पाकिस्तान ने रसाई दे दी है। उस हवाले से जो दरख्वास्त की गई थी बरतानवी हुकूमत की जानब से, वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली थी, जिसके बाद मौजम अली से तफ्तीश ये करेंगे। लेकिन बाकी जो 2 अफराद है उस हवाले से कहा गया था कि मजीद जो है वहाँ पर उसने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त देनी होगी, जिसके बाद उनसे भी तफ्तीश की इजाजत दी जा सकती है। तो ये टीम जो पहुंची है इस्लामाबाद में, 5 रुकनी टीम पहुंची है, जिसमें बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान शामिल हैं। ये 5 रुकनी टीम आज इस्लामाबाद पहुंची है, जो इस केस के हवाले से मुकम्मल तहकीकात करेगी। यानी अभी ये कहा जा सकता है कि ये टीम जो आई है सिर्फ मौजम अली से अभी तफ्तीश करेगी? जी बिल्कुल, अभी तक जो पाकिस्तान ने रसाई दी है वो सिर्फ मौजम अली के हवाले से दी है, बाकी जो 2 अफराद थे जो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके लिए वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने ऐलान किया था कि उनके लिए मुश्तरक तहकीकती टीम जो है वो वहाँ पर तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तानी जो हुकाम है वो भी उनके उनसे तफ्तीश करेंगे, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर इस हवाले से बरतानवी हुकूमत ने अगर कोई दरख्वास्त की तो उसके ऊपर भी उनको इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी सिर्फ मौजम अली से दरख्वास्त के लिए जो है उनको तफ्तीश की इजाजत दी गई है। लेकिन ये तफ्तीश भी किस तरह से होगी, क्या आया उनको मुकम्मल रसाई दी जाएगी या उस तफ्तीश के दौरान पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम और तफ्तीशी हुकाम जो है वो भी मौजूद होंगे, इस हवाले से अभी तक फिलहाल जो है वो फैसला नहीं किया गया। लेकिन ये टीम अब इस्लामाबाद आई है और इनको पहली बार इमरान फारूक कत्ल केस के मुलजमान तक बरतानवी हुकाम को रसाई मिलने जा रही है। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 5 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है।